जीके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को हर हर महादेव। आज सोमवार का दिन है, यानी श्रावण महीने का आखिरी सोमवार है, और आखिरी सोमवार पर हम आपको एक बार फिर से भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन कराएंगे। सांबा की प्रसिद्ध ऐतिहासिक देवस्थान सांबेश्वर मंदिर से यहां पर भगवान भोलेनाथ जो कि पिंडी रूप में विराजमान है, ये आप शंभू मंदिर है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी के साथ साथ माँ पार्वती जी भी पिंडी रूप में विराजमान है, और मैं अंदर की तस्वीर आपको दिखाऊंगा, आप भी दर्शन करें और भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। लेकिन यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा दूं कि यहाँ तमाम जो श्रद्धालु मंदिर में पहुँच रहे हैं कतारों में खड़े हैं, अपनी टर्न का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका नंबर आएगा और वो भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन करेंगे। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। अब आपको मैं मंदिर के अंदर जाकर जो है तस्वीरें दिखाऊँगा, दर्शन करें भगवान भोलेनाथ जी के, आशीर्वाद प्राप्त करें, और उसके बाद जो है हम यहाँ के महंत जी से भी बात करेंगे कि आखिरी सोमवार पर वो क्या संदेश देना चाहते हैं इस श्रावण महीने में। चलिए दर्शन करवाते हैं आपको भगवान भोलेनाथ जी के। तो समय मंदिर में पहुंच चुके हैं और अब आपको यहाँ से दर्शन कराएंगे भगवान भोलेनाथ जी के। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर श्रद्धालु जो है दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। मैं आपको जूम करके तस्वीरें आपको भगवान भोले बाबा की दिखाऊंगा। ये देखिए, आप शंभू मंदिर है, ये प्राकृतिक भगवान भोलेनाथ जी की पिंडी है, इसी के साथ साथ माँ पार्वती जी की भी पिंडी है, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। आप भी दर्शन करें भगवान भोलेनाथ जी के। यहाँ से तस्वीरें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं ये भगवान भोलेनाथ जी की पिंडी है, आप शंभू मंदिर है, और यहाँ से थोड़ा और क्लोज करके आपको मैं तस्वीरें बताने की कोशिश करूँगा। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, आप भी दर्शन करें सबसे पहले, और उसके बाद यहाँ से हम आपको मंदिर के जो महंत है उनसे भी बात कराने की कोशिश करेंगे। तो आपने दर्शन किए भगवान भोलेनाथ जी के, माँ पार्वती जी के, आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर श्रद्धा का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। तमाम श्रद्धालु जो है वो भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं, जल अर्पित कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं, और ये सोमवार का दिन जो है ये आज श्रावण महीने का आखिरी सोमवार है, क्योंकि समय इस बार जो श्रावण रहा वो दो महीने का रहा। तो आपने हर दिन जो है वो कोशिश की हमने आपको यहाँ से दर्शन कराने के अलग अलग मंदिरों से, और अभी भी आप देख रहे हैं कि श्रद्धा का जनसैलाब यहाँ मुड़ा हुआ है। लेकिन अब आखिर में यहाँ के जो महंत हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या संदेश है पूरे देशवासियों के नाम। तो मंदिर के महंत श्री महंत दत्तगिरी जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी संदेश लेने की कोशिश करेंगे आखिरी सोमवार के दिन। महाराज जी, आज सोमवार का दिन है और श्रावण का ये आखिरी सोमवार है, तो आज भी श्रद्धा का जनसैलाब उमड़ा हुआ है, तो तमाम देशवासियों को आपका क्या संदेश रहेगा? सबसे पहले जेके मीडिया के माध्यम से सांबेश्वर महादेव मंदिर पे आप पहुँचे हैं, ऋषिकांत जी आप और आपकी टीम का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज श्रावण महीने का जो सोमवार है,
अधिक मास होने के कारण आज आठवां सोमवार है और आज आठवां अंतिम सोमवार होने के उपलक्ष्य में जो यहाँ पर जितने श्रद्धालु आप देख रहे हैं, प्रातः 4 बजे से भगवान भोलेनाथ का मंदिर खुल गया और लोग यहाँ पर जो अभिषेक कर रहे हैं और जिन लोगों ने जो सोमवार के व्रत रखे हुए हैं उनका उद्यापन मौख कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और जो पूजा पाठ कर रहे हैं, भोलेनाथ उन सब की मनोकामना पूर्ण करे। तो क्या क्या कहना चाहते हैं, जिस तरह से इस बार अधिक मास में यानी 8 सोमवार इस बार आए हैं तो पहला ऐसे कभी हुआ नहीं, इस बार ये देखने को मिला कि इसको लेकर क्या? देखिए, समय समय पर ग्रह नक्षत्र के साथ साथ हमारी भारतीय तिथियों के अंदर ऐसा समय आता है। पहले भी श्रावण महीने के अंदर अधिक मास पड़ा था और अभी भी पड़ा, तो ऐसे समय पर अधिक मास आने के कारण इस सावन महीने का महत्व बढ़ गया और पूरे अधिक मास में भी मेरी माता बहने भक्त लोगों ने बड़ी पूजा किया, पूरे सावन में पूजा किया। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग भगवान शंकर जी की पूजा करते हैं वो मनवांछित फल की प्राप्ति उसको होती है। चलिए महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराज जी ने भी कहा कि जो सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उनको जो है मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तस्वीरें अभी भी मैं आपको मंदिर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर अभी भी श्रद्धालु जो है वो मंदिर में पहुँच रहे हैं भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए, उनका जो है जलाभिषेक करने के लिए, रुद्राभिषेक करने के लिए। और इस बार का जो अधिक मास, यानी इस बार 8 सोमवार थे श्रावण महीने के, तो आज आखिरी सोमवार है, तो हमने कोशिश की है कि आपको आखिरी सोमवार के दिन भी भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन कराएं। सांबेश्वर मंदिर, सांबा का ऐतिहासिक मंदिर, आप शंभू यहाँ पर जो भगवान भोलेनाथ विराजमान है, माँ पार्वती जी जो है वो भी पिंडी रूप में विराजमान है, तो इसलिए आप भी भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए मंदिर में जरूर आए, आप सभी की मनोकामनाएं भी जरूर पूर्ण होगी, यही हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार हमने हर एक मंदिर में जाकर आपको दर्शन कराने की कोशिश की है, तो आप भी घर बैठ के जो है भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद जरूर पा रहे होंगे, इसी की हम भगवान भोलेनाथ जी से कामना करते हैं। तो सभी दर्शकों को श्रावण महीने के आखिरी सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जिस तरह से वो लोग जो उपवास रखते हैं सोमवार के दिन, आज वो भी अपना जो उपवास है उसे खत्म करके मोक्ष जो है वो आज कर रहे हैं और एक सच्चे मन से पूजा अर्चना की जा रही है भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती जी की। फिलहाल के लिए क्रम में राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए हर हर महादेव।